वेलकम बैक स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मनी, जिसमें हमने स्टडी की है मनी की, मनी को ऐड करने की और सब्ट्रैक्शन. अब इसको हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन मनी. फर्स्ट है, सलमान गॉट 50 पैसे फ्रॉम हिज फादर, 34 पैसे फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर एंड 12 पैसे फ्रॉम हिज मदर. हाउ मच मनी डिड ही गेट इन ऑल? सलमान ने 50 पैसे अपने पापा से लिए, 34 पैसे यानी कि 34 पैसे अपने बड़े भाई से लिए और 12 पैसे उसने अपनी माँ से लिए. अब उसने सभी से कितने रुपए या कितनी मनी ली, ये हमको सॉल्व करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी पैसे जितने उसने लिए, जैसे कि फ्रॉम हिज फादर उसने कितने लिए, 50 पैसे. फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर उसने कितने पैसे लिए, 34 पैसे. फ्रॉम हिज मदर उसने कितने रुपए लिए, कितने पैसे लिए, 12 पैसे. अब हमें क्या करना है, पता करना है कि उसने सभी से कितनी मनी ली. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें ऐड करना होगा. तो 0 + 4 + 2 कितना आएगा, 6. अब 5 + 3 = 8 + 9 = 9. तो उसके पास टोटल कितने रुपी हुए, उसने कितने मनी लिया, 96 पैसे. अब नेक्स्ट है, दिव्या परचेज्ड अ टिन ऑफ कॉफ़ी फॉर 72 रुपीज़, अ टिन ऑफ बिस्किट्स फॉर 41 रुपीज़ एंड अ बॉटल ऑफ जैम फॉर 38 रुपीज़. How much in all did she pay to the shopkeeper? दिव्या ने एक कॉफ़ी का एक टिन 70 रुपीज़ का ली, 72 रुपीज़ का लिया और एक टिन ऑफ बिस्किट्स उसने 41 रुपीज़ की ली और ए बॉटल ऑफ जैम उसने 38 रुपीज़ की ली. अब उसने शॉपकीपर को इन सभी का कितना, कितनी रुपए पे करने होंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी का ऐड करना होगा. तो अ टिन ऑफ कॉफ़ी फॉर 72 रुपीज़, 72 रुपीज़ की उसने एक टिन ऑफ कॉफ़ी ली. अ टिन ऑफ बिस्किट्स फॉर 41 रुपीज़, 41 रुपीज़ की उसने एक अ टिन ऑफ बिस्किट्स ली और अ बॉटल ऑफ जाम फॉर 38 रुपीज़, 38 रुपीज़ की उसने एक जैम की बॉटल ली. ओके, तो इनको हम ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3, 3 + 8 = 11, 11 का 1 carry 1, 1 and 7 = 8, 8 or 4 = 12, 12 and 3 = 15. तो 151 रुपीज़ की उसने उसको शॉपकीपर को पे करने हैं. अब नेक्स्ट है, थर्ड, ऑन दिवाली डे सचिन बोट स्वीट्स फॉर 125 रुपीज़, फायरवर्क्स एंड कैंडल्स फॉर 95 रुपीज़ एंड क्लॉथ्स फॉर 225 रुपीज़. How much did he spend all together? दिवाली पर सचिन ने 125 रुपीज़ की मिठाइयाँ ली और 95 रुपीज़ की उसने कैंडल्स एंड फायरवर्क्स लिए और 225 रुपीज़ के उसने क्लॉथ्स लिए. तो उसने इन सभी में कितने रुपी खर्च किए, ये हमें पता करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी रुपीज़ को ऐड करना होगा.
तो स्वीट्स कितने की ली? 125 रुपीज की। फायरवर्क्स एंड कैंडल्स कितने के लिए? 95 रुपीज के। एंड क्लॉथ्स उसने कितने के लिए? 225 रुपीज के। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 5 5 5, 5 + 5 + 5 कितने हो जाएंगे? 15। कैरी 1 2, 1 and 2, 1 + 2, 3, 3 + 9, 12, 12 + 2, 14, 14 × 4, कैरी 1 1 and 1 2 and 2, 4। तो उसने टोटल 445 रुपीज उसने स्पेंड किए। अब फोर, रोहन हैड 895 रुपीज विद हिम। रोहन के पास 895 रुपीज हैं। ही परचेज्ड अ बाईसाइकिल फॉर 680 रुपीज। उसने 680 रुपीज की एक बाईसाइकिल खरीद ली। हाउ मैनी रुपीज वर लेफ्ट विद हिम नाउ। अब उसके पास कितने रुपी बचे? तो इसमें हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 895 रुपीज रोहन के पास थे। अब उसने 680 रुपीज की बाईसाइकिल खरीद ली। तो अब उसके पास कितने रुपी बचेंगे टोटल? इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। तो अब उसके पास 250 यानी कि 215 रुपीज उसके पास बचे। अब नेक्स्ट है 5। निशा वेंट टू द मार्केट विद 750 रुपीज। निशा 750 रुपीज के साथ मार्केट गई। शी परचेज्ड पल्सेस एंड फ्लावर फॉर 580 रुपीज। 580 रुपीज की उसने पल्सेस एंड फ्लावर खरीद लिए। हाउ मैनी रुपीज वर लेफ्ट विद हर नाउ। अब उसके पास कितने रुपीज बचे? तो उसके पास पहले कितने रुपीज थे? 750 रुपीज। अब उसने कितने रुपीज की पल्सेस एंड फ्लावर खरीदे? 580 रुपीज के। अब हमें पता करना है कि उसके पास अब कितने रुपीज बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 8 माइनस नहीं होगा इसलिए इधर से कैरी लेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7। अब चूंकि इधर से हमने कैरी ले लिया था इसलिए इधर कितने बचे? 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1। तो 170 रुपीज़ उसके पास अब लेफ्ट हैं। 170 रुपीज़ उसके पास बचे। अब नेक्स्ट 6 है। मिस्टर जोन अर्न्स 835 रुपीज़ 80 पैसे एवरी मंथ। ही स्पेंड्स 259 रुपीज़ 75 पैसे ऑन फूड एंड 185 रुपीज़ 50 पैसे ऑन रेंट। व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम। मिस्टर जॉन एक महीने में प्रत्येक महीने 835 रुपीज़ 80 पैसे कमाते हैं और वो खाने पर 259 रुपीज़ 75 पैसे स्पेंड करते हैं और रेंट पर किराए के लिए वो 185 रुपीज़ 50 पैसे स्पेंड करते हैं। तो उनके पास कितने रुपीज़
बचेंगे, कितना अमाउंट उनके पास बचेगा ये हमें देखना है। तो टोटल अमाउंट मतलब वो एवरी मंथ कितने रुपीस अर्न करते हैं, 835 रुपीस 80 पैसे। अब वो फूड पर कितने रुपीस स्पेंड करते हैं, 259 रुपीस 75 पैसे। एंड रेंट पर वो कितने रुपीस स्पेंड करते हैं, 185 रुपीस 50 पैसे। अब इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स इसको हम सिंपल मेथड से इस तरीके से करेंगे, पहले हम 835 रुपीस 80 पैसे में से 259 रुपीस 75 पैसे को माइनस करेंगे। ओके, तो ज़ीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, इसलिए यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, 10 में से 5 5। अब इधर कितने बचे, 7 और 7, 7 में से 7 जाएंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा तो इधर से एक कैरी लेंगे, 15 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7। अब 7 इधर हमने कैरी ले लिया था इसलिए इधर कितने बचे, 2। अब 2 में से 5 माइनस नहीं होंगे इसलिए इधर से हम एक कैरी लेंगे, 12। 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 6। अब 6, अब 13 इधर हमने कैरी ले लिया था इसलिए इधर 2 है, 2 में से 5 नहीं जाएंगे इसलिए इधर का हम कैरी ले लेंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो 7। एंड 8 इधर हमने कैरी ले लिया था तो इधर कितने बचे, 7। तो 7 में से 5 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो 576.05 मतलब 576 रुपीज़ 5 पैसे। अब इसमें से हम सेकेंड अमाउंट को माइनस करेंगे तो 576.05 185.50। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 0 जाएंगे तो 5। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होगा इसलिए इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 पॉइंट लगाएंगे। अब इधर हमने क्योंकि इधर से कैरी ले लिया था इसलिए इधर कितने बचे, 5। 5 में से 5 जाएंगे तो 0। अब 7 में से 8 माइनस नहीं होगा इसलिए हम इधर से कैरी ले लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे तो 9। अब चूंकि हमने इधर से कैरी ले लिया था इसलिए इधर हमारे पास कितने बचे, 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो अब उनके पास जो अमाउंट बचा वो कितना बचा, 390 रुपीज़ 55 पैसे। ओके, ये एक सिंपल मेथड में मैंने आपको समझाया। ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इन्हें इस तरीके से सॉल्व करना है। ये चैप्टर आपका एंड होता है, इसको आपको इसका पूरा एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है।